सकते, बट यू मुंबई के प्लेयर्स यहाँ पे M16 से ट्राई करे थे ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स की रोटेशन काटने के लिए एंड दे डिड इट सक्सेसफुली, कोई नॉक नहीं हो, बट वहां पे ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स पीछे रुकते हुए नजर आ रहे हैं। मावी यहाँ पे धीरे धीरे करके क्लोजिंग करेंगे, एक या दो नॉक लेने ही पड़ेंगे अगर इन लोगों को ब्रिज यहाँ से क्रॉस करना, बट यू मुंबई के प्लेयर्स वो लोग तो क्रॉस कर लेंगे, बट उनके आगे एक और चुनौती रहेगी और उस चुनौती का नाम रहेगा टीम फनाटिक, जो कि मिलिट्री वाला जो ब्रिज है वहां पे होल्ड करके बैठे हुए हैं। बहुत ज्यादा वन साइडेड वे में वो लोग क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई पीछे से डिफेंसिव अप्रोच नहीं दे, कोई यहाँ पे एडीएस दिखता नजर नहीं, बट यहाँ पे एडीएस की बात करें स्काउट का बिल्कुल सतर्क रहेगा, वो वैसे यहाँ पे क्या नॉक करते हुए नजर आएंगे, बट पीछे से डैमेज पड़ता है, वो खुद नॉक हो चुके हैं, डेस्ट्रो ने बाइजन से नॉक कर दिया वेस को, अब देखते हैं डेस्ट्रो खुद यहाँ पे क्लोज इन करते हुए नजर आएंगे, स्काउट किस तरीके से अपने प्लेयर को बचाएंगे। ये एक उल्टा ही यहाँ पे सफर बनता हुआ टीम फनाटिक के लिए, यहाँ पे बुलेट एक भी करेक्ट नहीं हुई, डेस्ट्रो को आखिरी में 50% एचपी करा है, बट यहाँ पे स्काउट खुद नॉकडाउन हो जाएंगे, बाइजन से दो प्लेयर नॉक कर दिए यू मुंबई के डेस्ट्रो ने, ओएस यहाँ पे नॉक दे, बट पीछे से फ्रैंकी 787 आखिरी प्लेयर फनाटिक के क्लोज इन करते हुए एक ही वाला ग्रेनेड, कैन डेस्ट्रो डू 1v3 अगेन, अब ये फाइनल किल देखते हैं किस प्लेयर ने लिया, बट टीम फनाटिक यहाँ पे सोलह पायदान पे एलिमिनेट होती है, 5 से वो द लास्ट मैन जिन्होंने फ्रैंकी को वहां पे मारा। यू मुंबा बहुत प्यारी तरीके से वाला ब्रिज उन लोगों ने कॉन्कर करा है, आई गेस जब भीष्मा आगे जा रहे थे मेरे को लग रहा है शायद भीष्मा के लिए मुश्किलें हो सकती है, बट पीछे से उनका स्क्वाड रेडी था किसी भी टाइप का अटैक देने के लिए, उन्होंने वो अटैक किया और उनकी यूटिलिटीज एक तरीके से वेस्ट करवा रही है आप बोल सकते हैं। मैक्स कैश अभी भी मिनी 14 से वहां पर देखना चाहते हैं किसी प्लेयर को, इनके पास नॉक आए थे, किल नहीं निकाल पाए, 304 का डैमेज काफी बेहतरीन है, अभी भी जो इनको पिन पॉइंट दिख रहे हैं ट्राई कर रहे हैं किसी तरीके से अगर पिन पॉइंट पे डैमेज दे पाए बहुत फायदा होगा। मीनवाइल पीछे से फनाटिक के प्लेयर्स अभी भी दिक्कतें देने की कोशिश करते हैं, पावर हाउस इस फाइट में बस एक चीज चाहेगी कि सैंडविच ना हो कुछ भी करते हुए, बिल्कुल पावर हाउस यहाँ पे थोड़ा सा डिले कर सकती है फाइट, बिकॉज यहाँ से अगर वो कहीं पे भी एग्रेशन दिखाने की कोशिश करेंगे तो पीछे से या तो आगे से दोनों सगा से उन लोगों को मार पड़ेगी, बट ये अब पेशेंटली वेट करने वाली फाइट है पावर हाउस के, बट फनाटिक यहाँ पे इस चीज का एडवांटेज उठा सकती है, उन लोगों ने किल फीड पढ़ लिया कि यहाँ पे पावर हाउस का स्क्वाड है, अगर पीछे से एक नॉक आता तो चारों प्लेयर यहाँ पे इंजेक्ट कर सकते हैं इन बीच में फंसे हुए प्लेयर्स को, बट सर्कल की हम बात करेंगे अभी सेंटर की साइड पे ज्यादा रुख मोड़ रहा है सेंटर वाला एलन टाटस पोचिंग की वाला पार्ट, गॉडल को एडवांटेज हो सकता है वहां पे अगर वो पोचिंग के में ही रुके रहे, दैट मींस उनकी अपनी ड्रॉप लोकेशन पर यहां पे टीम आईएनटी के सामने टीएसएम एंटिटी के प्लेयर्स फंसे हुए, यहां पे पिन करने की कोशिश करी थी नियो ने बट स्नैक्स वहां से एस्केप करके जा चुके हैं, टीएसएम एंटिटी लूट खत्म करके अग्रेशन यहां पे कितना देखने को मिल रहा है उनको, पता है स्नैक्स यहां पे अकेले है, फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे, क्लच गॉड ने स्लैम इन करा और ये काइंड ऑफ अ क्लासिक मैच चलता हुआ टीएसएम एंटिटी के द्वारा, जहां पे प्लेयर स्पॉट हुए वहीं पे पुश देखने को मिला, बट यहां पे जी गॉड नॉक डाउन होते हैं, स्नैक्स के बहुत प्यारा ग्रेनेड आता हुआ टेरेस पे फेंकने की कोशिश, बट फर्स्ट फ्लोर पे वहां पे स्नैक्स फंसे हुए, ये फाइट मेरी ख्याल से आईएनडी को दिक्कत देने वाली है, बट क्लच गॉड यू कैन से अ ब्लाइंड पुश अगर हुआ यहां पे तो स्नैक्स दिक्कत दे सकता है, बट पीछे के साइड में राइट हैंड साइड अगर फ्री फायर हुआ तो दिक्कत दे सकते हैं क्लच गॉड, बट उनकी गन क्या रीलोड में जाएगी, यस गन रीलोड में गई है, स्नैक्स क्या उन्हें चेस करेंगे नहीं, बट एक और प्लेयर ऊपर आता हुआ राइट साइड से, स्नैक्स ने एक नॉकडाउन निकाल दिया, जॉनाथन गॉड नॉकडाउन कर दिया, अब पीछे से यहां पे धीरे धीरे करके नियो भी पुश करेंगे, एक प्लेयर ऑलरेडी नॉक्ड है, रिवाइवल मिलेगा फॉर श्योर, बट पुश भी यहां पे करना पड़ेगा, नियो गए ऊपर, अब स्नैक्स नॉकडाउन बिकॉज 1v2 का सिचुएशन बन चुका था, टीम आईएनडी के प्लेयर पीछे से स्लियर ने एक इंपॉर्टेंट नॉक दिया, अब यहां पे ट्रांस कैन आल्सो कम एंड जॉइन दिस पार्टी ओवर हियर, बिल्कुल क्लच गॉड ने पहले जो इनिशियल ग्रेनेड किया उसने स्नैक्स को हल्का सा डैमेज दिया था, मीनवाइल पीछे से ग्रेनेड्स और आते हुए डैमेज देने के लिए हमें क्लच गॉड के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है क्योंकि उनकी हेल्थ काफी ज्यादा कम हो चुकी है, एक और ग्रेनेड जाता है स्लियर का क्लच गॉड को लेकर जाते हैं, काफी बेहतरीन एक फाइट आ चुकी है यहां पर, टीएसएम एंटिटी ने बहुत अच्छे तरीके से पुश किया था लेकिन आईएनडी उनका पुश रोकने की शुरुआत कर चुके हैं, ग्रेनेड्स अभी भी नहीं रुक रहे हैं, बीच में एक गैस कैन भी पड़ा, अगर गैस कैन यहां पर ब्लास्ट हुआ था वो भी एक स्प्लैश डैमेज देने वाला ग्रेनेड, और जाते हुए और ग्रेनेड जाते हुए वहां पर नियो जाते हुए गैस कैन के लिए मुश्किल है, वहां पर गैस कैन से ब्लास्ट हुआ था जी गॉड, जब गैस कैन ग्रेनेड से ब्लास्ट हुआ एक और ग्रेनेड जाता हुआ टीम को गोलियों से ज्यादा यहां पर ग्रेनेड से मुश्किलें कर दिया, जी गॉड पिक ऑफ हो जाएंगे इस फाइट के अंदर, टीएसएम जो अभी एक डोमिनेटिंग टीम लग रही थी अब थोड़ी सी मुश्किल में फंस गई, जॉनथन बचे हुए हैं और बचे हुए रहेंगे अभी थोड़ी देर के लिए बट काफी ज्यादा करीब है वो बाहर आ चुके अभी, और टीम आईएनडी पीछे से उनको स्पॉट करना चाहिए, 3 players vs 1 player, क्या ये प्लेयर 1v3 कर पाएगा, प्लेयर प्लेयर स्पॉट किया लेकिन नहीं हो पाया और टीम आईएनडी एक बहुत बेहतरीन तरीके से डोमिनेटिंग टीम को एलिमिनेट करते हुए, बिल्कुल बट वहां पे टीएसएम एंटिटी को ज्यादा ही वहां पे बिल्कुल पिन पॉइंट करने की कोशिश कर रही थी आईएनडी को, बट वो बिल्कुल उनके ऊपर ही उल्टा आता हो, बट ये वाली फाइट अभी भी चल रही है, मार्कोस गोमिंग के प्लेयर्स वो लोग भी ट्राई करेंगे कि ये
किल्स जो है वो अधूरे किल्स जो नॉक प्लेयर्स है वो अपने लिए फिनिश करे और वो बहुमूल्य एक पॉइंट अपने नाम करे। बट सामने एश नॉकडाउन है, क्या रिवाइवल मिलेगा? फ्रैंकी है उसी ब्रोकन वॉल पे, रिवाइवल मिलेगा तो जरूर, बट रॉनक को बैकअप यहाँ पे जरूर देना पड़ेगा बिकॉज ओवेज भी आगे नॉकडाउन है उस ब्रोकन वॉल के पीछे। आइकॉनिक फर्स्ट फ्लोर पे है, क्या रिवर्ट देखने को मिलेगा फनाटिक प्लेयर्स के द्वारा? नोवा किंग यहाँ पे एक ग्रेनेड पुल कर रहे थे, मेरे ख्याल से वो ग्रेनेड एग्जैक्ट अगर घेरा वहां पे ब्रोकन वॉल की वॉल पे लग के रिबाउंड होके तो मेरे ख्याल से वो दो प्लेयर वापस से नॉकडाउन हो सके, बट वहां पे 420 ओपी ने नॉकडाउन कर दिया एक और प्लेयर। टाइम था यहाँ पर नोवा किंग के पास ग्रेनेड को वहां पर ड्रॉप करने का, बट देन ऑब्वियसली वो थोड़ा कैलकुलेशंस में रह गए या फिर एंड उसका फायदा फनाटिक के प्लेयर्स ने ऐसे उठाया कि वो साइड साइड से निकल चुके हैं। मीनवाइल टीम एक्सट्रीम के प्लेयर्स भी पीछे से आते हुए दिख रहे हैं, टीम एक्सट्रीम भी थोड़ी सी दिक्कतें दे सकती है एंड फनाटिक फ्रैंकी को ये बात पता चल गई कि पीछे से एक और स्क्वाड आने की कोशिश कर रही है। पावर हाउस और फनाटिक की जो फाइट्स हुई पहले एमजीजेड ने थोड़ा कैपिटलाइज करने का ट्राई किया एंड दूसरी तरफ यहाँ पर टीम एक्सट्रीम भी आ चुकी है। एक तरीके से चार टीम्स का एक झुंड बन चुका है टीम एंड इसलिए ग्रेनेडियर के अपना खिताब लेकर जाते हैं क्योंकि उनके ग्रेनेड्स काफी अच्छे तरीके से डैमेजेस वहां पर दे चुके थे टीएसएम एंटिटी को। एंड टीएसएम एंटिटी की अगर हम बात करें, जॉर्ज बोल्स स्टार्ट किया, वो पूरा एरिया रोटेट कर रहे थे एंड सर्कल का एक अच्छा खासा किनारा ढूंढ रहे थे, लेकिन ये टीम जो किनारों में है इनको अगले जोन के लिए अंदर जाना पड़ेगा जब जोन शिफ्ट होगा। बिल्कुल, और अभी भी आप देखो तो जो रिवर जो पेनिट्रेट करती हुई जा रही है दो आईलैंड को वो अभी भी जोन में है। सूर्या वहां पे नॉकडाउन हो चुके हैं एंड गॉडल गिल ने यहां पे सिनर्जी के टेड को नॉकडाउन कर दिया, मिनी 14 वाइपर ने यहां पे नॉक कर दिया एमजीजेड के शैडो को, मैक्स कश यहां पे एक और नॉक निकालते हुए अभी के रूप एंड फिनिश भी करते हुए किल्स के मामले में यहां पे स्लेयर रुकने नहीं वाले, डोमिनेशन में आ चुके हैं, राइट हैंड साइड से फ्लैंक मार रहे हैं यहां पे पावर हाउस के प्लेयर्स। नोवा किंग एक प्री फायर देते हुए, उनको पता है तीनों प्लेयर्स इसी वाले ग्राउंड फ्लोर एक तो इसी वाले एक छोटा कंपाउंड यहां पे अगर ग्रेनेड पड़ता तो दिक्कत देता, बट यहां पे एश ने नॉकडाउन निकाला पहला नॉक। अब पावर हाउस का स्क्वाड मुसीबतों में नजर आ गया बिकॉज पीछे से भी बहुत ऐसी टीम्स है जो आ रही है, बट यहां पे रौनक वो अकेले 1 एचपी है, आइकॉनिक यहां पे उन्हें भी नॉकडाउन करा, दोनों प्लेयर्स के पास सेम गन थी, फ्रैंकी यहां पे अकेले बचे हुए हैं, देखते हैं आइकॉनिक किस तरीके वाली फाइट निकाल बिकॉज उनकी भी 1 एचपी हो चुके हैं। अब पीछे से अगर इनको असिस्ट नहीं मिला तो आइकॉनिक, यस पावर हाउस का स्क्वाड यहां पे एलिमिनेट होता हुआ नजर आएगा। एश और रौनक कौन सी टीम क्या ग्रेनेड्स यहां पे फेंके जा रहे हैं बिकॉज एक नॉक एंड एक ओपनिंग मिलेगी जो कि बानोज में पुश करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर आप कॉम्पिटेटिव लेवल की बात करो क्लासिक मैचेस में यू कैन थ्रो ग्रेनेड फ्रॉम बोथ साइड एंड वो दिक्कत हो सकती है प्लेयर्स को। यहां पे मॉर्टल एक स्मोक फेंकने की कोशिश करेंगे जस्ट इन केस को अगर ब्लाइंड पुश करता है तो उनके पास एक एक्स्ट्रा विजन हो। बिल्कुल, तो सर्कल थोड़ा सा पीछे की तरफ जाता है लेकिन मॉर्टल के ऊपर ग्रेनेड आता है, वहां पर मैक्सी का टीम तमिलास के और ये शायद ओपनिंग दे देगा ऑरेंज रॉक को कैपिटलाइज करने के लिए क्योंकि ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स वहीं पर खड़े हैं, वो ट्राई कर रहे हैं ऊपर आने का। आज के ऊपर सांगवान यहां पर स्पॉट करेंगे लेकिन सांगवान को लेकर जाया जाएगा नीचे एंड वो किल भी मावी के खाते में आएगा सोल मॉर्टल का। सोल वाइपर सात वाले बानोस में नीचे थे एंड अब वो वापस से अपने प्लेस के पास यूनाइट होने की कोशिश करेंगे, स्मोक करके थोड़ा सा फाइट को टालने का कोशिश कर सकते हैं अगर चाहे तो, अदरवाइज उनको आगे सर्कल में जाना पड़ेगा जो उनसे 10 मीटर पीछे है। अब ऑलमोस्ट सर्कल में वो पहुंच चुके, इस एरिया पर सर्कल उनको टच करता है, मार्कोस गेमिंग का एलिमिनेशन 9th पोजीशन पर होता हुआ, यूएमई अभी भी ट्राई कर रही है किसी तरीके से फाइट्स निकाल ले और बीएसई क्रॉस इनके क्रॉस एयर में डेस्ट्रो के बिल्कुल सामने 293 का डैमेज इनके पास, एक किल है, नंबर्स बढ़ाना चाहेंगे एंड स्पॉट किया था प्लेयर्स को ऑन द अदर साइड, दलजीत जात लेकर जाने की कोशिश करते हैं प्लेयर्स को बट यूएमई डेस्ट्रो वहां पर बीएसई क्रॉस के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें खड़ी करते हैं। 183 का डैमेज यहां पर मवी के पास था और डेस्ट्रो एक प्लेयर को नॉक कर चुके, दूसरे प्लेयर को फिनिश करना चाहेंगे लेकिन साथ के साथ उनके ऊपर रिटेलिएशन फायर आता हुआ, पान सिंह की बारी रहेगी इस फाइट को अपने खाते में लेकर जाने की लेकिन डेस्ट्रो को फिनिश किया जाएगा पीछे सेल्स के रॉक्स के द्वारा और जो उन्होंने स्टार्ट किया था उसकी फिनिशिंग यहां पर पान सिंह करते हुए। बिल्कुल, बट पान सिंह प्रोन को के आगे जाने की कोशिश करेंगे, वो बहुत ज्यादा ओपन एरिया, स्मोक हर जगह बने हुए, दलजीत यहाँ पे नॉकडाउन है, मावी जाएंगे उन्हें रिवाइव करने के लिए स्टेयर्स पे, बट सेल्स का भी यहाँ पे एलिमिनेशन होता हुआ आप लोगों को नजर आएगा बिकॉज स्लेयर का डोमिनेशन अब रैम्पेज में बदल चुका है, 5 किल्स स्लेयर के नाम हो चुके हैं। सेल्स एलिमिनेट होती हुई 8वें पायदान पे, टीम तमिलास का स्ट्राइकर बाहर प्ले जोन से नॉकडाउन होता है, मैक्सी यहाँ पे धीरे धीरे क्लोज इन कर रहे हैं ऑरेंज रॉक के ऊपर, उनको पता है ये वाली फाइट अगर उन्होंने अपने नाम करी तो बान हाउस को अच्छा कवर की तरह यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्रेटोज को आपकी स्क्रीन में नजर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे एंड देखते हैं टीम आईएनडी क्या क्लोज कर सकती है इस मैच को एज अ चिकन डिनर। बट वाइप ये स्मोक मवी और दलजीत ने किया था उनको बाहर निकलने के, उसका फायदा वाइपर पूरे अच्छे तरीके से उठा रहे हैं एकदम लेफ्ट हैंड साइड पर निकलते हुए, ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स उनके पास जैसे कोना बचेगा यहां से खिड़की से छलांग मारने के लिए नीचे जाने के लिए लेकिन उन्होंने जो गोलियां चलाई थोड़ा सा उन्हीं के ऊपर चार्जिंग कर रही थी, स्पॉट करने की कोशिश, लंबा सफर तय करना पड़ा है। अभी देखते हैं ओवरऑल स्टैंडिंग में किस तरीके का यहां पे परिवर्तन देखने को मिलेगा बिकॉज वीएसडी क्रॉलर्स भी यहां पे इस बार फाइनल सर्कल में आ चुके हैं, ट्रांस यहां पे रॉक के ऊपर चढ़ के स्पॉट करने की कोशिश करेंगे, यस अभी तक एडीएस में नहीं आ पाए हैं, उनके पास डीपी है 6x है, बस प्लेयर स्पॉट करने की देरी है, तीनों प्लेयर्स यहां पे स्प्लिट होना चाहेंगे टीम आईएनडी के, बट ग्रेनेड्स यहां पे एग्जैक्ट गिरते हुए, बट जोन का डैमेज यहां पे आई थिंक ईवो लेंगे और किल यहां पे टीम आईएनडी को नहीं देना चाहेंगे बिकॉज इट वुड बी